door? Anita! Raju, someone in the liquor. सॉरी यार। अच्छा तुम एक काम करो, तुम चिल्ला लो मुझ पर, लेकिन प्लीज इस तरह से चुप मत बैठो। अच्छा चलो, मैं होटल से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तवा पुलाव खाओगी ना? अनिता तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा गुस्सा खाने पर तो मत उतारो यार। कोई चारा है मेरे पास? हमेशा का नाटक है तुम्हारा, पहले गलती करते हो फिर सॉरी बोलते हो। नाटक? एक्सक्यूज मी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वक्त भी देना पड़ता है। अच्छा सारा वक्त बिजनेस में ही देना पड़ता है और अपनी बीबी के लिए एक घंटा भी नहीं है ना तुम्हारे पास? अगर ऐसा ही था तो क्या जरूरत थी मुझे अपने साथ दुबई लेके जाने की? मैं घर पर ही ठीक थी। कमाल है यार, तुमने ही तो जिद कर दी कि तुम्हें दुबई जाना है। लेकर जाओ तो प्रॉब्लम, ना ले जाओ तो प्रॉब्लम। साथ में चलने की बात की थी सुभाष, तुम मुझे बताओ इस पूरे एक हफ्ते हमने एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताया? ब्रेकफास्ट टेबल पर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन तुम अपने फोन पर अपनी सेक्रेटरी से बात करते हो। तुम भी तो अपनी शॉपिंग करने में बिजी रहती थी, कितना सोना खरीदा है तुमने? अच्छा तुम मुझे बताओ कि कितना सोना खरीदा है मैंने? मैं कहाँ जाती हूँ, कितनी शॉपिंग करती हूँ, तुम्हें कोई परवाह है मेरी? पूरे 11 लाख का सोना खरीदा तुमने, सब पता है मुझे। मैं सोने के पिंजरे में नहीं रहना चाहती सुभाष, एक पत्नी को एक पति का प्यार और उसके साथ की भी जरूरत होती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी कभी भी टिक पाएगी। इसका तो रोजाना का यही ड्रामा है, हमेशा का यही नाटक है सुभाष का, पहले पहले गलती करता है और फिर सॉरी बोलता है। जिस रोज रोज के झगड़े से दोनों को कब पता चला कि डॉली जी की मौत हुई है? सर एक आध घंटा पहले हम लोग दुबई से मुंबई लैंड होकर सीधा घर आए, अनीता ने गहने रखने के लिए तिजोरी खोली, उसमें ना तो गहने थे और ना ही मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स, उसमें तो सिर्फ डॉली जी की लाश थी। अच्छा कितने समय के लिए दुबई में ठहरे हुए थे आप लोग? सर एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए आप लोग दुबई में थे, आपकी सेक्रेटरी यहाँ आपके घर में क्या कर रही थी? आप लोगों के गैर मौजूदगी में आपकी सेक्रेटरी दरवाजा खोल के घर के अंदर आती है, आपके बेडरूम में घुसती है, आपकी तिजोरी खोलती है और अपने आप को तिजोरी के अंदर बंद कर देती है। वो क्या सुसाइड करना चाहती थी? सर हमें सच में नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, पिछले एक हफ्ते से तो सुभाष मेरे साथ है और कई बार तो इनकी डॉली से फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। अगर आपको चाहिए तो आप उनके फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। नहीं फोन क्यों सर, आप हमारा पासपोर्ट देख लीजिए ना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी डॉली जी से? कल रात करीबन 9 बजे उसका फोन आया था, विरार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक मीटर लगाने के लिए उसे कुछ पेपर्स चाहिए थे। मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट मेरी तिजोरी में है, मैं मुंबई आकर उसे दूंगा। इसका मतलब है आपके घर की चाबी डॉली के पास नहीं थी? नहीं सर कभी नहीं। तो फिर आपके घर की डुप्लीकेट चाबी डॉली के पास कहां से आई? सर हो सकता है डॉली अपने साथी के साथ चोरी के इरादे से घर में घुसी हो और उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया, सारा माल लेकर खुद गायब हो गया। सर प्लीज कैसे भी करके आप मेरे गहने ढूंढ लीजिए, उन गहनों में हमारे पुश्तैनी हीरो का हार है जो बहुत ही महंगा है, उसमें जामुनी रंग के हीरे भी हैं। प्लीज सर। पुश्तैनी हार? जी इनके परदादा के यहाँ पर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि वो हार उनकी नई बहू को मिलेगा। स्माइली वाली बॉल मॉन्टी? मॉन्टी वो मशहूर ज्वेल थी? हाँ निखिल, वही गहनों का चोर जिसके पीछे बहुत टाइम से देश भर की पुलिस लगी हुई, लेकिन हर बार वो चकमा देके भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं। आ रहे सर, ये स्माइली बॉल मिला है
तिजोरी के अंदर। स्माइली मतलब ये सब मोंटी कर रहा है? हो सकता है सर। दया। हाँ सर। एक मिनट, ये डॉली की आंखों में जो लाल जामुनी रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से है। सांस अटक गई थी इसकी, इसीलिए मौत हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका गला घोट के इसे मार दिया और फिर तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। नहीं रजत, जिस वक्त डॉली को तिजोरी में बंद किया गया ये जिंदा थी, दम घुटने से मौत हुई है इसकी। जिंदा तिजोरी में बंद किया? हाँ, और इसके तीन तीन कारण है। एक तो तिजोरी का दरवाजा अंदर की तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने मुक्का मार करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दूसरा, तिजोरी पे अंदर की तरफ खरोंच के निशान है, लगता है किसी ने छटपटाट में इसे खरोंचा है। और तीसरा, दया ये दरवाजे का रंग देख रहा हूँ, ऐसा ही रंग ये देखो इस डॉली के नाखूनों में भी है। बेचारी ने कितनी कोशिश की होगी तिजोरी से बाहर निकलने की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुई तो अंदर ही घुटके मर गए। तिजोरी के अंदर का सारा माल बाहर निकाल दिया और डॉली को इस खाली तिजोरी के अंदर बंद कर दिया, और ये सब किया है ये स्माइली बॉल रखने वाले मोंटी ने। मेरी बच्ची, किसने मारा सर मेरी बेटी को? किसने जेल लिया मेरे बुढ़ापे के सहारे को? आप शांत हो जाइए प्लीज, हम आपका दुख समझते हैं, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, डॉली के गुनहगारों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सही समय नहीं है आपसे सवाल पूछने का, पर इस घर में आप लोग सालों से रह रहे हैं? नहीं साहब, हम तो एक छोटी सी खोली में रहते थे। एक साल पहले डॉली ने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदा, बड़े प्यार से सजाया, लेकिन क्या फायदा, डॉली नहीं रही। डॉली ने ये घर खरीदा था? माफ कीजिएगा पर डॉली की तनख्वाह तो सिर्फ 25,000 रुपए थी, इतनी तनख्वाह में ये घर खरीदना और ये सारी चीजें। उसे हर महीने बोनस मिलता था साहब। हर महीने बोनस? उसकी मेहनत और लगन से उसके बॉस बहुत खुश थे, उसे हर महीने कैश बोनस मिलता था 5,00,000 रुपए। 5,00,000 रुपए महीने? हाँ साहब, उसे 2 दिन पहले इस महीने का बोनस मिला था 5,00,000 रुपए। वो पैसे कहाँ हैं? डॉली के कमरे में है सर। हम देख सकते हैं? जी, मैं लेकर आता हूँ। सर, ये डॉली चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करती हो, लेकिन 5,00,000 रुपए कोई किसी को क्यों देगा हर महीने, समझ में नहीं आ रहा है। बात तो अजीब है, तनख्वाह 25,000 और बोनस 5,00,000 रुपए। डॉली के बॉस सुभाष जी से मिलना पड़ेगा। बाप रे, एक चोर इतनी सारी चोरियां करने के बावजूद आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आया सर। इस मोंटी का केस रिकॉर्ड देख के लगता है कि जैसे इसने चोरी करना बचपन से ही शुरू कर दिया था। बाप रे बाप, इतनी सारी फाइलें मोंटी की, लगता है उसके पूरे खानदान का इतिहास निकाला है तुम लोगों ने। हाँ सर, और इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है, 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं इसके खिलाफ। सर, स्माइली बॉल के अलावा उसके खिलाफ ना ही कभी कोई सबूत मिला है ना ही कोई गवाह। इतने सारे केसेस दर्ज होने के बावजूद भी किसी फाइल में उसका फोटो तक नहीं है सर। वही तो बड़ी अजीब बात है ना, कि 100 के ऊपर चोरियां करने के बाद भी उसे किसी ने देखा नहीं, उसका चेहरा तक पता नहीं किसी को, कैसे हो सकता है? कहीं तो इन फाइलों में लिखा होगा, तुम्हें मिला होगा उसके साथी लोग कौन है, या फिर वो किस शहर का है, किस शहर में काम करता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, वो अकेला ही ऑपरेट करता है, उसका कोई भी साथी नहीं है, कोई भी गिरोह नहीं, और चोरी किए हुए गहने वो किसको और कहां बेचता है ये भी किसी को नहीं पता। बहुत शातिर है सर। शातिर? अब तक पाला नहीं पड़ा था ना उसका हमारे साथ,
अब पता चल जाएगा। सजिन, हर मुजरिम की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस उस कमजोरी को ढूंढो तो मुजरिम भी मिल जाता है। सर, एक इंस्पेक्टर वर्धन है जो 2 सालों से मॉन्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है सर। और मॉन्टी के लगभग हर केस की तहकीकात उन्होंने ही की। इंस्पेक्टर वर्धन, इंस्पेक्टर वर्धन, एसीपी प्रद्युमनिया। इस बार तो ये टेंडर मुझे ही मिलेगा, इससे सस्ता दाम और कोई कंपनी दे ही नहीं सकती। आप लोग टॉली मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी, मुझे जितना कुछ पता था आपको बता ही चुका हूँ सर। लेकिन आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप हर महीने डॉली को 5 लाख रुपए बोनस दिया करते थे? ये मेहरबानी कैसी है? 5 लाख रुपए हर महीने? जी हाँ, और ये पैसे डॉली के घर से मिले हमें। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेक्रेटरी होने के हिसाब से काफी आलीशान घर था उसका, और बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मिस्टर सुभाष, सच सच बताइए, क्या डॉली आपको किसी बात को लेके ब्लैकमेल कर रही थी? क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा था? क्या उसका मुंह बंद करने के लिए आपने उसका फोन कर दिया? नहीं नहीं, गलत है ये सब। मेरे डॉली के साथ कोई चक्कर नहीं था, और वो 5 लाख तो मुझे पता भी नहीं है सर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। ऐसी भोली भाली बातें बहुत सारे गुनहगारों के मुंह से हम पहले भी सुन चुके हैं। एक बात बताओ, मिस्टर सुभाष छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके घर की तिजोरी में हमें डॉली की लाश मिलती है, और डॉली के घर से हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो क्या लगता है तुम्हें? फ्रेडी का तजुर्बा यह कहता है कि सुभाष जी हमसे कुछ छुपा रहे, जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो घबराना किस बात का? आप चाहे तो मेरी कंपनी और मेरी पर्सनल बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं डॉली को सिर्फ सैलरी देता था हर महीने, और कुछ नहीं। ठीक है मिस्टर सुभाष, आपको फिर परेशान करेंगे। थैंक यू। हाँ, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मुझे आज बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे बबनवा, हमरा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे बैंगन ले लो, आलू गोभी ले लो। साहब, सब्जी चाहिए क्या? गाजर चाहिए साहब? नहीं। मूली मूली? मैं बोला ना भाई, नहीं चाहिए, जाओ। मॉन्टी भी नहीं? इंस्पेक्टर वर्धन है क्या साहब? आपको तो पता है हमारे व्यवसाय में नाम नहीं लिया करते। भैया जी कह के बुलाओ, भैया जी। अरे भैया जी, आपके इस टमाटर से हमारा क्या काम? मॉन्टी कहाँ मिलेगा? अरे 2 साल से तो मॉन्टी हम खुद ही ढूंढ रहे हैं। 2 साल हो गए, फिर भी आप कामयाब नहीं हुए? अरे मॉन्टी जैसे चोर को पकड़ना टमाटर बेचने वाला काम नहीं है। पिछले 2 साल से भेस बदल के कोई फायदा नहीं हुआ? साहब, मेरे खबरी ने खबर दी है, सामने जो बंगला है ना, एक लंदन से फैमिली है, लंदन से बहुत सारा गहना लेके आई है, बहुत सारा। जहाँ कीमती गहने होते हैं वहाँ मॉन्टी दर्शन देने जरूर आता है। सही सही बोला साहब। एसीपी साहब कह रहे थे कि मॉन्टी को पकड़ने में तुम हमारी मदद कर सकते हो, काफी छानबीन की है तुमने उसके बारे में, काफी फाइल तैयार की है। हाँ साहब, आप कहो तो सब्जी और फाइल दोनों लेके ऑफिस पहुंचता हूँ। हाँ, उसके पहले यहाँ पे किसी को ठहरा के जाऊंगा, फिर आऊंगा। ठीक है, बहुत जल्द ब्यूरो में आके मिलना। हाँ सर, चलते हैं। हाँ।
मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात? बहुत खास बात है, CID इंस्पेक्टर्स मेरे ऑफिस तक पहुँच गए। CID? मगर क्यों? उस धोखेबाज डॉली की वजह से। मुझे तो पहले शक था उस पर, पनौती थी वो पनौती। जब जिंदा थी तब भी बिजनेस में भारी नुकसान हुआ उसकी वजह से, मरने के बाद भी मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर गई। अब शांत हो जाए सुभाष। अरे कैसे शांत हो जाऊं? उसका गला अपने हाथों से घोट दिया होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। CID को मुझ पर ही शक है। लेकिन अब आप चाहते क्या हैं? अब किस्सा खत्म करो, ये लो पैसे और भूल जाओ कि हम कभी मिले थे। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अगर किसी को ये पता चला कि ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है तो अपना मुंह खोलने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम, समझे? मुझे अपने पैसों से मतलब था, जो कि मुझे मिल गए। अब आप ये समझो कि मेरी जबान पर ताला लग गया है। ताला तो जेल की सलाखों पर भी लगेगा, लेकिन तुम दोनों को जेल के अंदर डालने के बाद। CID? जी हाँ, CID। सुभाष जी, आपने पैसे देकर इसका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन अफसोस फिर भी हमें इसका मुंह खोलना पड़ेगा। अब आप खुद अपना मुंह खोलेंगे या फिर इसका ताला तोड़ना पड़ेगा हमें। भाग्य किस बात के पैसे दे रहा था सुभाष तुम्हें? सर, मेरा नाम विकुल है और मैं थर्ड आई डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक हूँ। थर्ड आई डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक? यस सर। तो फिर हमें देख के भागे क्यों? सर, मैं डर गया था क्योंकि मुझे पता है कि CID वाले कितनी सख्ती से पूछताछ करते। लेकिन तुम्हारा डॉली के साथ क्या लेना देना? सर, विकुल को मैंने हायर किया था। मुझे शक था कि मेरे ऑफिस का कोई स्टाफ मेरे टेंडर्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल मेरे किसी दुश्मन को बेच रहा है। पिछले कुछ महीनों से मेरे यहाँ से काफी सारे टेंडर्स निकल गए, हर बार कुछ ही पैसों का फर्क आता था। आपको पहले बताना चाहिए था कि आप डिटेक्टिव हो। क्या पता क्या लगाया आपने? इनको डॉली पे शक था, इसलिए मैं उसके ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन मुझे सर उसकी हरकतों पर कोई शक नहीं हुआ। तो वो 5 लाख रुपए जो हर महीने डॉली के पास आते थे उसका क्या? वही तो सर। सर, जब आपने ऑफिस में 5 लाख रुपए की बात करी तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि डॉली ही मेरे दुश्मनों को मेरी फाइल्स बेच रही थी। उसके बाद मैंने बिकुल को यहाँ बुलाया, उसको पैसे दिए और कहा कि सब कुछ भूल जाए। अगर आप बिकुल तक पहुँच जाते तो आपको पता लग जाता कि वो डॉली पर मेरे ही कहने पर नज़र रख रहा है और कहीं ना कहीं आपको लगता कि डॉली को मैंने ही मारा है। ये बात तो समझ में आ रही है कि डॉली को हर महीने 5 लाख रुपए इस सुभाष का कोई कॉम्पिटिटर दे रहा था, पर मोंटी ने डॉली को क्यों मारा ये समझ में नहीं आ रहा है। इस डॉली का मोंटी का कोई संबंध था या फिर मोंटी ने डॉली को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था? सर, अब इस मोंटी तक पहुंचेंगे कैसे? सीनियर इंस्पेक्टर वरदान, अब वही मोंटी के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। इंस्पेक्टर वरदान रिपोर्टिंग। वरदान, गुड। ये इंस्पेक्टर सचिन। हेलो। श्रेया। हाय। पंकज। हाय। सर, बाकी के ऑफिसर दया सर, अभिजीत सर और फ्रेडी दिखाई नहीं दे रहे। बाहर गए किसी और केस के सिलसिले में। अच्छी बात है, तुम जानते हो इन सबको। सर, आप लोगों को कौन नहीं जानता। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में था तो CID टीम की मिसाल दी जाती थी हमें। वरदान, इस बार मोंटी ने सिर्फ चोरी नहीं की, खून भी किया है। माफ करना सर, मुझे नहीं लगता मोंटी किसी का खून कर सकता है। क्यों? सर, पिछले 2 साल से मैं मोंटी के केस की तहकीकात कर रहा हूँ। 100 से भी ज्यादा चोरियां की है पर उसने एक भी खून नहीं किया है। इस बार किया है। उसने डॉली के बॉस के घर पर चोरी की, डॉली की मदद लेकर, पर काम खत्म होने पर डॉली को ही मार दिया। सर, मोंटी अकेले ही चोरी करता है, किसी के मदद के बगैर। चोरी करना उसका पेशा नहीं, जुनून है, जुनून। वो जब भी चोरी करता है पूरी प्लानिंग के साथ करता है, और तब करता है जब घर पर कोई ना हो। मतलब जहाँ वो चोरी करना चाहता है वहाँ का इलाका पहले छान लेता है, वहाँ आसपास
रहने वाले लोगों से पूछताछ भी करता होगा और तभी शायद किसी ने उसे देखा भी होगा। सर आप चेहरे की बात कर रहे हैं, आज तक उसका असली नाम किसी को नहीं पता। ये मोंटी नाम तो हमने उसके गुनाहों की फाइल खोलने के लिए रखा है। हाँ, जहाँ भी वो चोरी करता है वो स्माइली बॉल जरूर रख जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि तुम उसके फैन हो गए हो वरदान। नहीं सर। खैर छोड़ो, उसकी कोई तो कमजोरी होगी, कोई तो कमजोरी। सर एक कमजोरी है। क्या है बताओ? अनमोल और कीमती हीरे। अच्छा, अनमोल और कीमती हीरे। सर मेन एंट्रेंस के अलावा तीन एंट्रेंस और भी थे जो मैंने सील करवा दिए। अब एग्जीबिशन में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वहां पे भी सख्त पैरा है। बंदोबस्त तो अच्छा ही है सचिन, मगर इस मोंटी को कमजोर समझने की गलती हम नहीं कर सकते हैं। भेस बदलने में माहिर है आदमी। सर बैठो, सब कुछ ठीक है? हाँ सर। सारे कैमरा ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर। मेन गेट का फुटेज दिखाना। ठीक है सर। बारी बारी सभी कैमरास की फुटेज चेक करते रहना। मोंटी बहुत शातिर है, कैमरास के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है, समझे? जी सर। सर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की चेकिंग हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, आप और निखिल सामने वाले एंट्रेंस पे नजर रखो। ओके। मैं यही नेकलेस के पास में। ओके। ए! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं पे खड़े रहे। ये लाइट कैसे चली गई? ये कैसे हो सकता है सर? बिजली के तो तीन दिन बैकअप थे हमारे पास, कोई हिलना नहीं आ सकता। सचिन दरवाजा बंद कर दो, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। आप सब लोग इस तरफ आइए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, इस तरफ आइए। जल्दी श्रेया निकल, सबकी तलाशी लो। ये मोंटी इसी कमरे में कहीं होना चाहिए। सर पावर फेलियर की वजह से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई होगी। कोई बात नहीं, इस एग्जीबिशन हॉल से बाहर जाने के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं, इन्हीं में से कोई हमारा मोंटी है। मैं हवा हूं, आपके आसपास हूं, आप मुझे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। मैं चालाक हूं, शातिर हूं, चोर भी हूं, लेकिन खूनी नहीं। सुभाष की तिजोरी मैंने ही साफ किया था, लेकिन उस लड़की का खून मैंने नहीं किया। सर उनमें जितने भी लोग हैं सबकी तलाशी ले ली, निकलेस किसी के पास नहीं मिला। सर मुझे भी हार कहीं नहीं मिला। मोंटी 30 सेकंड में हार चोरी करना, ये चिट्ठी रखना और इस कमरे से बाहर निकल जाना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है किसी इंसान के लिए? अब क्या करें सर? मोंटी की तरह सोचो, नेकलेस चुराया है तो कहीं ना कहीं तो उसे जरूर बेचेगा। शहर में जितने भी ऐसे चोरी हैं जो चोरी के गहने खरीदते हैं वहां पर रेड डालो। एक बार ये मोंटी हाथ लग जाए तो सिर्फ 30 सेकंड नहीं, जिंदगी भर के लिए उसे अंधेरे में रहना पड़ेगा।
पधारो सेठिया पधारो, क्या दिखाओ? अरे भैया मैंने चोखा हीरा चाहिए। ये हमारे भाई साहब हैं, आज भाई साहब और भाभी जी की सालगिरह है, तो भाई साहब भाभी जी को बहुत बढ़िया सी भेंट देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? माड़े का बात समझ में आ गई। आइए आप लोग, खैरिये मैं लेके आता हूं। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है? आतारो ये रूखा सूखा खाना नहीं खाना हमको। सेठिया दिखावे पे मत जाइए, ये अंदर की बात है, पुलिस की नजर से बचा के रखना पड़ता है। पुलिस की नजर से बचाकर? छोड़िए ना, अब देखिए, ये देखिए 200 साल पुराना है मारवाड़ के राज घराने का। अब ये मत पूछना ये कहां से आया। कड़ी से कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी हमारी नाक के नीचे से वो हार लेकर गया कैसे? सर हमने तो आने जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि हर गैस की अच्छे से चेकिंग भी की, लेकिन कुछ नहीं मिला सर। तो फिर वो हार गया कहाँ सचिन? कहाँ गया वो हार कि अपने आप चलकर बाहर गया? सारी चेकिंग की थी, कोई ना कोई चालाकी की है इस मोंटी ने, कोई ना कोई चालाकी की है। इसकी सारी फाइलें निकालो, फिर से निकालो, कुछ ना कुछ तो छूटा है हमारी आंखों से, कुछ ना कुछ तो छूटा है। अब इससे कुछ बढ़िया नहीं है, थोड़ा बेहतर कोई है तो, मतलब फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नया माल आएगा ना मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप अपना फोन नंबर देके जाइए। बात की बात में देखेंगे, चलो ठीक है। उन गहनों में हमारे पुश्तैनी हीरो का हार है, उसमें एक जामुनी रंग का हीरा भी है। ये हार मोंटी ने चुराया था। नहीं सर, नहीं हो सकता, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। वरदान, ये हार सुभाष जी के तिजोरी से चोरी हुई थी, और चूंकि डॉली की लाश हमें तिजोरी के अंदर से मिली थी, ये केस सीधे सीआईडी के पास आया था, तुम्हारे डिपार्टमेंट में नहीं। मोंटी ने बेचा ये हार, चलो। हाँ भैया, क्या हुआ, विचार बदल गया? दे दो ये हार। हाँ दे दो। अब ये बताओ कि ये मोंटी कहाँ है? मोंटी? कौन मोंटी? आप लोग कौन है? वॉचमैन? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी? अब बोला आपने वॉचमैन को। सीनियर इंस्पेक्टर वर्धान, क्राइम यूनिट। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, वरना तुम्हारी एक गलती जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है। मुझे माफ कर दो सर, मैं डर गया था, वो हार मोंटी ने मुझे बेचा था। मोंटी का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, हम हमारा एक ऑफिसर तुम्हारे दुकान पे छोड़ के जा रहे हैं, अगर दोबारा मोंटी वापस आया ना तो हमारे साथ वापस जाएगा। क्राइम रिपोर्ट पर वर्धन का अंगूठा, यहाँ तो सिग्नेचर है, तो फिर अंगूठा क्यों? इन फाइल्स में तो उन्होंने अंगूठे लगाए। सर इस फाइल पे सिग्नेचर है। किसी फाइल्स पर अंगूठा है, किसी फाइल्स पर सिग्नेचर, ये चक्कर क्या है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। श्रेया वर्धन को फोन लगा। सर उनका फोन तो बंद है। तो फिर हेडक्वार्टर्स को फोन करो और उनसे पूछो कि ये वर्धन का अंगूठा और वर्धन के सिग्नेचर, ये चक्कर क्या है? हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर श्रेया बोल रही हूँ सीआईडी से। मैं इंस्पेक्टर वर्धन से बात करना चाह रही हूँ, वो है अभी ऑफिस में?
अच्छा एक बात बताइए, वो अपने केस फाइल पर सिग्नेचर करते हैं या अंगूठा लगाते हैं? ओके थैंक यू। क्या कहा? सर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर ने कहा कि इंस्पेक्टर वर्धन पिछले 3 दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं आए। 3 दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं आया? सर ये भी कहा कि उनका फोन बंद आ रहा है। सर पिछले 2 दिन से तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कहीं इस वजह से तो उन्होंने हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट नहीं की? ऐसा नहीं होता, हर हाल में हमें हेडक्वार्टर्स तो इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। अच्छा सिग्नेचर के बारे में पूछा, तब क्या कहा? ऑफिसर ने कहा कि 6 महीने पहले इंस्पेक्टर वर्धन का एक्सीडेंट हुआ था और उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तब से वो केस फाइल्स पर अंगूठा ही लगाते हैं। लेकिन सर हम सब ने तो इंस्पेक्टर वर्धन को हर जगह अपना दायां हाथ इस्तेमाल करते हुए देखा। छह महीने पहले दाहिना हाथ फ्रैक्चर हुआ है और फिर भी दाहिना हाथ इस्तेमाल कर रहा है ये, तो फिर है कौन ये वर्धन? वही हमारा वर्धन या फिर बहरूपिया वर्धन? हाँ सर। क्या इंस्पेक्टर वर्धन? सर वो अभी अभी मेरे साथ थे लेकिन निकल गए। कट, कट। अब क्या कर रहे हो? मेरा वक्त बर्बाद मत करना, एक सवाल पूछूंगा उसका एक जवाब चाहिए और वो भी सच। वो जो आदमी मेरे साथ आया था यहाँ पे कौन था? वो मोंटी था। वरदान मोंटी था? बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मैं मोंटी को आपके साथ देखकर डर गया था। क्या बोलता उसने आपके सामने मुझे चुप रहने की धमकी दी थी। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। मोंटी, मोंटी, मोंटी पिछले 2 दिनों से ठगता रहा हमें, है हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ बातें की, यहां तक कि वो हमारे साथ तहकीकात भी करने आया था और फिर भी हमें पता तक नहीं चला कि ये इंस्पेक्टर वर्धन नहीं मोंटी है। हाँ सर, उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों सचिन, क्यों क्यों हुई गलती हमसे? कैसे हुई गलती? कैसे हमने उसे हम सबको बेवकूफ बना दिया? कैसे कैसे किसी को भी शक नहीं हुआ उसे? सर उसने कभी उस पर शक होने दिया ही नहीं। इंस्पेक्टर वर्धन ने हमें बंगलोर रोड पे बुलाया था सर उसे मिलने के लिए। हम लोग वहां पे पहुंचे तो ये मोंटी मिला, वो सब्जी वाले के भेस में था। सॉरी सर, मैं उसे पहचान नहीं सका। नहीं दया, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, हम सबकी गलती है, हम सबकी गलती है। समझ में नहीं आता इस मोंटी को पता कैसे चला कि मैंने इंस्पेक्टर वरदान को फोन पर कहा था कि तू हमारे साथ इस केस की तहकीकात में आ जा। कैसे पता चला? कैसे? उस वक्त तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं था ब्यूरो में। कैसे? माय गॉड। कैसे पकड़े इसे? हाँ सर, चोरों का राजा लगता है ये मोंटी। हर एक चाल के पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान होता है। सर बहुत अकलमंदी और बहुत चालाकी से काम करता है ये मोंटी। हाँ सर, इस वक्त तो कहीं बैठ के हंस रहा होगा हम पर। हाँ, चूल्हे पर पानी में डूबना चाहिए शर्म के मारे। शर्म की बात तो है, काश ये खबर अखबारों में छप जाए, सीआईडी के तो नाक कट जाएगी।
मैं तो उनके सामने ही खड़ा था, फिर भी सीआईडी मुझे पहचान नहीं पाई। सर अगली बार अगर ये हमारे सामने आया तो हम तो इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? सर भेष बदलने में माहिर है ये। बहुत चालाक है। सर सारे देशों की पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम हो गई है सर। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, पकड़ना तो पड़ेगा ही। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर ये ठग इतना शातिर है, पकड़ेंगे कैसे इसे? वही तो, कोई सुराग भी तो नहीं है हमारे पास। क्या करें, कैसे पकड़ेंगे इसे? सर इस ट्रैकर के हिसाब से काफी नजदीक लग रहा है मॉन्टी। हाँ एक मिनट, ये मॉन्टी 500 मीटर के रेडियस पर है। सर मॉन्टी के काफी करीब आ गए। बहुत हंसी आ रही है। चलो, बहुत शौक है ना तुझे अखबारों में खबर छापने का। एसीबी साहब तेरा ब्यूरो में इंतजार कर रहे हैं, मीडिया वालों को भी वही बुला लेंगे। सर मैंने डॉली का खून नहीं किया है, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने डॉली को नहीं मारा है, इसलिए मैं इंस्पेक्टर वरदान बन के आया था। मेरा डॉली का साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैंने तो डॉली को देखा भी नहीं है। झूठ! तुम और डॉली उस रात बंगले में गए थे। हाँ सर मैं उस बंगले में गया था, लेकिन सिर्फ चोरी करने। डॉली वहां क्या कर रही थी मुझे कुछ नहीं पता। सर मैं चोर हूं, कुड़ी नहीं। मैंने 100 चोरी की है, लेकिन आज तक किसी का खून नहीं किया। मैं कुड़ी नहीं हूं, मैं बेकसूर हूं सर, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने डॉली का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? हाँ क्यों बताओ, क्या हुआ था उस रात को उस बंगले में? उस रात मैं सुभाष के घर उसकी तिजोरी में रखे गहने चोरी करने गया था। मुझे पता था कि सुभाष अपनी पत्नी के साथ दुबई गया हुआ था, जैसे मैंने किसी के आने की हट सुनी मैं खिड़की से भाग गया था। मगर भागने से पहले तुम्हारे पास इतना समय था कि तुम माइक्रोफोन वाली बॉल तिजोरी में रख के भाग सको। सर स्माइली बॉल के अंदर मैं पहले से ही माइक्रोफोन फिट करके रखता था, और जहां जहां मैं चोरी करता था वहां बॉल रख देता था। लेकिन क्यों? जब उन लोगों को पता चलता था कि उनके कीमती गहरे और हीरे चोरी हो गए तो उनके रोने की आवाज, उनके दुख से कोसने की आवाज मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। बड़ा अजीब शौक है इसका, मतलब चोरी करने के बाद तुम आकर रिसीवर के सामने बैठ जाते थे लोगों का रोना सुनने के लिए, हैं? नहीं सर, मैंने रिसीवर के पास एक रिकॉर्डिंग मशीन रखी है, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं वो रिकॉर्डिंग सुनता हूं। लेकिन इस बार जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी मुझे पता चला कि एक लड़की का खून हो गया, और सीआईडी ऑफिसर्स को मुझ पे शक है कि मैंने उस लड़की का खून किया, तो मैं डर गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंस्पेक्टर वरदान बनके आपकी टीम में जुड़ जाऊंगा और आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि डॉली का खून मोंटी नहीं कर सकता। वो तो हम पता लगा ही लेंगे मोंटी जी कि डॉली का खून किसने किया है, समझे? तुम ये बताओ
उस एग्जीबिशन में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी तुमने वो गहने चुराए कैसे? जब मैं उस एग्जीबिशन के कंट्रोल रूम में गया था चेकिंग करने के लिए, तब मैंने वहां पे छोटा सा बग रख दिया। बारी बारी सभी कैमरे की फुटेज चेक करते रहना। जी सर। मोंटी बहुत शातिर चोर है, कैमरा के साथ छेड़खानी भी कर सकता है। उस बग की वजह से 30 सेकंड तक पावर चला गया था। आप लोगों ने सबकी तलाशी ली, मुझे इंस्पेक्टर वरदान समझकर मेरी तलाशी नहीं ली। इंस्पेक्टर वरदान कहाँ है? मेरे घर पर है सर, सही सलामत। मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, सिर्फ आपको विश्वास दिलाना चाहता था कि मैंने डॉली का खून नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे तिजोरी में वो माइक्रोफोन रख के जाने तक डॉली उस कमरे में नहीं आई थी, राइट? नहीं। फिर तो सर उस रिकॉर्डिंग मशीन में डॉली या फिर उस खूनी की आवाज तो जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। वो रिकॉर्डिंग सुननी है हमें। सवेरा ही ना देख पाओ। देखो देखो मेरे पास मत आना, वरना वरना क्या होगा? आज तुम जो हो मेरी वजह से हो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली आज मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी। प्लीज माफ कर दो मुझे। श्रेया एक मिनट, जरा थोड़ा रिवाइंड करो और फिर से चलाओ। आज तुम जो हो मेरी वजह से हो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली आज मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी। प्लीज माफ कर दो मुझे। सुना? हाँ सर, जब आसपास माइक्रोफोन या स्पीकर वगैरह होता है तो फोन आते वक्त इसी तरह की आवाज आती है। एग्जैक्टली, है ना? हाँ सर। सर हो सकता है उस वक्त सुभाष ने डॉली को फोन ट्राई किया, लेकिन सर डॉली तो अपना मोबाइल घर पे भूल गई थी। अगर डॉली अपना फोन घर पर भूल गई थी तो वहां पर जो फोन बजा था वो अजनबी का फोन हो सकता है, उस खूनी का फोन। श्रेया काम करो, सारे मोबाइल कंपनीज को फोन करो और पता लगाओ उस रात 1:30 और 2 बजे के बीच सुभाष के घर पर किस नंबर से फोन आया था। अगर वो पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा उस अजनबी का, उस खूनी का फोन नंबर और वो है कौन, ये भी। हाँ हाँ, अपनी बिजनेस की सफलता के लिए आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। अब आपको जो भी कांटेक्ट चाहिए उसे पाने में मैं आपकी मदद करूंगा। सीआईडी से बचने में तुम्हारी कौन मदद करेगा? सीआईडी? आप लोग यहाँ? अपराधी जहां सीआईडी वहां। तुम्हें क्या लगा था डॉली का मर्डर करने के बाद तुम सीआईडी को चकमा देने में आसानी से कामयाब हो जाओगे? मर्डर डॉली का? मैं वाला डॉली का खून क्यों करूंगा सर? मैं निर्दोष हूं सर। अच्छा, हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया विद्युत, जिस दिन डॉली का खून हुआ तुम भी वही मौजूद थे मिस्टर सुभाष के बंगलो पे। डॉली के साथ तुम्हारी जो भी बातें हुई है उसके रिकॉर्डिंग है हमारे पास, चाहो तो फॉरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं। चलें ब्यूरो। डॉली को क्यों मारा तुमने? सर डॉली मेरे लिए काम करती थी। लेकिन वो तो सुभाष की सेक्रेटरी थी ना? सर मैंने उसे सुभाष के यहाँ सेक्रेटरी की जॉब दिलाई थी, दरअसल वो मेरी खबरें थी। सर मेरे डिटेक्टिव एजेंसी में एजेंटों को हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब दिलवाते ताकि वो वहां के मालिकों के अंदर की खबर मुझे दे सके। और फिर तुम उस खबर के जरिए उन मालिकों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाते थे, है ना? लेकिन सुभाष ने तो तुम्हें उस कंपनी के इन्फॉर्मर को ढूंढ निकालने का काम सौंपा था ना? डॉली ही वो इन्फॉर्मर थी। मैं नहीं चाहता था कि सुभाष को इन सारी बातों का पता चले, इससे मेरे प्लान पे पानी फिर जाता। इसलिए मैंने उसे कहा था कि डॉली बहुत ही सीधी है। अगर डॉली तुम्हारे लिए काम करती थी
तो उसका खून करके तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? सर, डॉली की नीयत खराब हो गई थी, लालची हो गई थी, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। धमकी देती थी कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसे नहीं दिया तो सीआईडी के सामने मेरी सारी पोल खोल देगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की सर, लेकिन उसने नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया। हाँ सर, उसे तिजोरी में बंद कर दिया, बेचारी घुट घुट कर मर गई। तुम जैसों को तो फांसी ही होनी चाहिए, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.